ग्रुप टू एलिमेंट्स या जिनको एल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं, कौन कौन से होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। नमस्ते, मेरा नाम अदब दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। ग्रुप टू एलिमेंट्स एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब भाई आप क्या पढ़ चुके हो, आपने एल्कली मेटल सारे पढ़ लिए, उनके आपने इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ लिए, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, तो अब किसका नाम आ गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल का। और ये मैंने आपको बता रखा भाई, एल्कलाइन अर्थ मेटल आपका सेकेंड ग्रुप होता है और उसमें कौन कौन होता है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम है। ठीक है बात, ये आपके एलिमेंट्स हैं। ओके बोलो भाई, और ध्यान रखियो बेरियम को छोड़ के, हालांकि इन सबको बोल देते हैं लेकिन अगर हम टिपिकल सेंस में बोले ना तो बेरियम को छोड़ के इनको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरियम को हटा के बोलते हैं, आपको पता है जो बेरियम होता है वो, अरे भाई कोई भी एलिमेंट किसी भी ग्रुप का बाकी मेंबर से थोड़ा हटके चलता है, पता होगा ना क्या बोलते हैं इसको, एनामोलस बिहेवियर। तो बेरिलियम का बिहेवियर ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स का होता है डिफरेंट। और मैंने आपको ये बता रखा है कि आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड क्या होता है, घटता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, बढ़ता है। तो अलोंग डायगनल क्या होगा, अलोंग डायगनल क्या होगा, ये ऑलमोस्ट सेम रहेगा। और अगर रेडियस सेम रहेगा तो प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी इनकी, सिमिलर। प्रॉपर्टीज क्या होंगी इनकी, सिमिलर होंगी। इस वजह से बेरिलियम की प्रॉपर्टी किनसे मैच करती है, एल्यूमिनियम से। किससे, तो ये भी ध्यान रखियो बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ डायगनल रिलेशनशिप भी रखता है, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी आपको शो करेगा। ओके अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं इनका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो भाई ये आपको पता है इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एन एस टू क्या होगा, बेरिलियम क्या हो जाएगा, वन एस टू, टू एस टू। बोलो भाई बेरिलियम क्या हो जाएगा, वन एस टू, टू एस टू। लिथियम क्या होता है आपका, लिथियम क्या होता है, ओके वन एस टू, टू एस वन होएगा ना, तो बेरिलियम क्या हो जाएगा, वन एस टू, टू एस टू। नीचे कौन है, मैग्नीशियम, वो क्या हो जाएगा, वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू। यानी आउटर इसका क्या है, टू एस टू, उसका क्या हो जाएगा, थ्री एस टू, और नीचे फोर एस टू, और नीचे फाइव एस टू, और नीचे सिक्स एस टू। नहीं आपको, बोलो भाई, तो एन एस टू क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के पास फुल्ली फिल्ड क्या होती है, सब शेल क्या होती है पास। अब हम क्या बात करते हैं, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल। भाई इनके मैं आपको बताऊं, जो आयनिक और एटॉमिक रेडियाई हैं वो एल्कली मेटल से छोटे होते हैं, वजह बताइयो। बोलो भाई, इनके एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होते हैं, यहाँ कौन है एल्कली मेटल, यहाँ कौन है एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनके रेडियस इनसे क्या होते हैं, छोटे, वजह वापिस हट जाओगे तो साइज क्या होता है, घटता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो नहीं बढ़ती लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल। हाँ डाउन द ग्रुप क्या होगा, इसका साइज बढ़ेगा, यानी कि बेरिलियम से बड़ा कौन होगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बड़ा कौन होगा, वहाँ आपको वहाँ वहाँ में तो क्या बढ़ रहे हैं, प्रोटोन। अरे भाई प्रोटोन तो बढ़ रहे हैं, तो बेरिलियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कैल्शियम, कैल्शियम से स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम से बेरियम, बेरियम से रेडियम। आप नीचे आओगे तो एटॉमिक नंबर बेशक बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ सब, नंबर ऑफ मेन शेल भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर मेन शेल्स का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, और यही फैक्टर यहाँ पर क्या करता है, डोमिनेट करता है। आगे आपको, अरे बोलो भाई, ठीक है। नहीं आपको अब बताओ हमारे पास क्या है, आयोनाइजेशन
इन्थेल्पीज, अब हम पढ़ेंगे इनकी आयोनाइजेशन इन्थेल्पीज कैसे काम करती हैं। तो भाई पहली बात तो एल्कली मेटल से लेफ्ट में कि राइट में, राइट में, तो आपको पता राइट में हम जाते हैं तो साइज क्या होता है, घटता है, साइज घटता है तो आयोनाइजेशन इन्थेल्पी क्या होती, बढ़ती है। तो इन सब ही की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो किससे, दो वजह है उसकी, एक तो क्या वजह है, एक तो इनका साइज स्मॉल है, लेकिन एक वजह और भी है, जितनी ज़्यादा होनी चाहिए थी ना, नहीं आपको जितनी ज़्यादा एल्कलाइन अर्थ मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जीज होनी चाहिए थी अपने काउंटर, अपने एल्कली मेटल काउंटर पार्ट से, उससे क्या होती हैं ज़्यादा, वजह क्योंकि यहाँ पर फुल्ली फिल्ड सबशेल है, क्या यहाँ पर फुल्ली फिल्ड, भाई यहाँ पर NS2 नहीं होता, और आपको पता फुल्ली फिल्ड सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता, काफ़ी मुश्किल होता है, नहीं आएगा आपको, तो भाई ये वजह है इसकी। अरे बोलो, अच्छा एक बात और, तुम क्या बोलेंगे, अच्छा बात और, लेकिन वैसे लो होती हैं अगर हम ओवरऑल देखें ना, एल्कली मेटल से क्या होती हैं ज़्यादा, लेकिन वैसे लो ही होती हैं अगर आप किसी पीरियड की बात करो तो, वजह क्योंकि कहाँ बैठे हैं सबसे, लेफ्ट में बैठे हैं भैया, कहाँ बैठे सबसे लेफ्ट में बैठे हैं, तो इनका लार्जर क्या होता है साइज, लार्जर क्या होता है, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन के मुकाबले, उनके मुकाबले तो क्या ये लार्जर इन साइज होंगे, तो उनके मुकाबले क्या होगा, तो एल्कली मेटल से क्या होगी इनकी ज़्यादा होगी, एल्कली मेटल से क्या होगी इनकी ज़्यादा होगी, लेकिन बाकियों से क्या होगी कम होगी, मैंने आपको पढ़ाया था ना, और आप डाउन द ग्रुप आओगे क्या होगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेंगी और घटेंगी, क्यों, साइज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस दूरी बढ़ता जाएगा, दूरी बढ़ेगा अट्रैक्शन क्या होगा कम होएगा, अट्रैक्शन कम होएगा तो क्या हो जाएगा, आ गया ना आपको समझ में प्रत्यक्ष, ठीक है समझ गया। अच्छा एक बात और, एक बात आप मुझे बताओ, एक बात भाई आप मुझको और बताओ, ठीक है कि आप डाउन, मैं क्या बोला आप डाउन दूर पाओ क्या होगा, अच्छा इनकी बताओ, इनकी थर्ड बहुत आई होती वजह, पहले इनकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली आई होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई वजह थर्ड उपकार, क्या मतलब एक निकाल दिया ठीक है, दूसरी में और एफर्ट लग गया, लेकिन तीसरी में तो बिल्कुल नाश ही हो जाता है, नोबल गैस स्कोर वेरी गुड, क्योंकि भाई दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या आ जाएगा इसका नोबल गैस स्कोर आ जाएगा, और नोबल गैस स्कोर से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता हमेशा मुश्किल होता है, बात आपको पहले पड़ गई, तो ये वजह इसका भाई। अब बताओ क्या इनकी हाइड्रेशन इन्थैल्पीज, क्या भाई अब बताओ क्या होगा, अब ये सिंपल सी बात है, ये कैटायन कौन सी बनाते हैं, टू पॉजिटिव वाली कौन सी बनाते हैं, ये टू पॉजिटिव वाली नहीं बनाते क्या, लिथियम सोडियम पोटेशियम क्या बनाते हैं वन पॉजिटिव वाली, ये क्या बनाते हैं टू पॉजिटिव वाली, तो वन पॉजिटिव वाली सॉल्यूशन में जाएगी, और वैसे भी स्मॉलर होते हैं, क्या होते हैं ये, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा आप अलोंग द पीरियड आओगी, तो दो काम हो रहे हैं, एक तो क्या हो रहा है बताओ, एक तो साइज वैसे कम हो रहा है, आप अलोंग द पीरियड आओगे तो एल्कली मेटल से लेफ्ट में कौन होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो उनका साइज क्या होगा स्मॉल होएगा ना, और ऊपर से वो बनाते हैं एल्कली मेटल बनाते हैं वन प्लस वाले, क्या बनाते हैं टू प्लस वाले, तो अगर टू प्लस वन या टू प्लस वाली आयन कहाँ जाएगी सॉल्यूशन में, तो क्या उसका बहुत ज़बरदस्त क्या होगा, मान लिया एक एल्कली मेटल और एक एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल है, दोनों आयन है, दोनों का साइज भी क्या स्मॉल, लेकिन एक तो उतने साइज भी क्या हो वन प्लस चार्ज, और एक उतने साइज भी क्या हो टू प्लस चार्ज, तो चार्ज की ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर होगी टू प्लस वाले में होगी ना, तो वहाँ पर ज़्यादा क्या होगा हाइड्रेशन, ज़्यादा हाइड्रेशन ज़्यादा क्या निकलेगी हीट रिलीज होएगी, तो यहाँ पर ज़्यादा क्या आएगी हमारे पास एन्थैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, नहीं आपको बोलो भाई, हाँ ये बात पक्का भाई,
तो लेकिन एक बात पक्का है, आप डाउन द ग्रुप आओ आओगे ना तो इनथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन घटेगी, हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी। क्यों? यानी बेरिलियम टू पॉजिटिव से कम किसकी होगी, सॉरी इससे कम किसकी होगी बताओ भाई, मैग्नीशियम टू पॉजिटिव की उससे कम किसकी होगी बताओ। वजह सबसे ज़्यादा इनथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, मैग्नीशियम सॉरी बेरिलियम टू पॉजिटिव क्यों बताइए उपकार बताओ, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट कैटायन है ये। तो एक तो अब आपको पता है बेरियम टू पॉजिटिव क्या है, बिगर कैटायन। बेरियम टू पॉजिटिव क्या है, बिगर कैटायन। बेरिलियम टू पॉजिटिव क्या है, स्मॉलर कैटायन। तो एक तो स्मॉलर कैटायन पे टू प्लस हो, एक बिगर पार्टिकल पे क्या हो टू प्लस, तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा कहाँ बनेगी, स्मॉलर के ऊपर। इसीलिए हाइड्रेशन ज़्यादा भी किसका होगा, स्मॉलर कैटायन का। नहीं आपको भाई और क्या होता है, लार्जर देन दोज ऑफ एल्कली मेटल, और एल्कली मेटल से क्या उनकी ज़्यादा होंगी। ठीक है बात। अच्छा एक बात और आप मुझे बता दो, हाइड्रेटेड कंपाउंड कब बनते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट कब बनते हैं, जब कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा हो, यानी कैटायन क्या हो छोटी हो और स्ट्रांगली क्या हो पॉजिटिव, तो कोवेलेंसी क्या होगी बढ़ जाएगी ना, और कोवेलेंसी बढ़ती है तो हाइड्रेट बनने के चांस क्या होते हैं बढ़ जाते हैं। तो आप अलोंग द पीरियड आ पाओगे, आप कहाँ पर होगे अलोंग द पीरियड, तो आयनिक रेडियस क्या होता है घटता होगा ना, आयनिक रेडियस क्या होता है घटता, ऊपर से चार्ज भी क्या प्लस टू, चार्ज भी क्या है प्लस टू है, छोटा साइज है ज़्यादा क्या है चार्ज, तो चार्ज टू साइज रेशियो क्या बढ़ जाएगा ना, तो हाइड्रेट बनाने की संभावना क्या होनी चाहिए बढ़नी चाहिए। नहीं आपको, यानी कि इनके हाइड्रेटेड सॉल्ट आपको ज़्यादा कॉमन मिलेंगे इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल्स। ठीक है बोलो भाई, जब आप वहाँ पर देखो भाई बताओ, जो NaCl और KCl के नहीं बनाते, NaCl होता है ना और KCl भी होता है, लेकिन ये क्या नहीं बनाते हाइड्रेट, क्या नहीं बनाते ये हाइड्रेट, अरे बोलो भाई, लेकिन सोडियम काउंटर पार्ट कौन, मैग्नीशियम, लेकिन MgCl2 XH2O एंड कैल्शियम से सॉरी पोटेशियम से नेक्स्ट कौन है कैल्शियम, तो कैल्शियम क्लोराइड भी क्या बनता है हाइड्रेट, क्या बनता है, यानी कैल्शियम क्लोराइड हो चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड हो, दोनों में ही वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं ट्रैप्ड। आगे आपको ये, अरे बोलो, अब बताओ क्या हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ कौन कौन सी हैं, क्या होते हैं ये एल्कली मेटल्स की तरह ही सिल्वरी वाइट लस्टरस एंड रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर देन एल्कली मेटल, क्यों ये बताओ, यानी दिखने में कैसे हैं एल्कली मेटल जैसे ही लस्टरस भी हैं और ज़्यादा सॉफ्ट भी हैं, लेकिन एल्कली मेटल से हार्डर हैं। वजह भाई हार्ड मेटल कब होएगी, जब उसमें बॉन्ड क्या होंगे स्ट्रोंगर, तो यहाँ पर साइज एटम का छोटा होता है, तो एल्कली मेटल के एटम्स का साइज छोटा होता है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल के एटम्स का साइज छोटा होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल के एटम्स का साइज क्या होता है छोटा होता है, तो यहाँ पर मजबूत बॉन्ड नहीं बनेंगे, मजबूत बॉन्ड बनेंगे इनको मेल्ट करना क्या हो जाएगा मुश्किल। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपीयर्स टू बी समवॉट ग्रेइश, ये क्या होते हैं भाई, ये ग्रे से आपको नजर आएंगे, और एल्कली मेटल से इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लेकिन यहाँ पर कोई आपको ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। बोलो भाई, अच्छा एक बात और भाई, हैं तो ये मेटल ही, बेशक इनका इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एफर्ट लगेगा किससे, एल्कली मेटल से, लेकिन भाई हैं तो मेटल ही, यानी आयनाइज तो होंगे, यानी क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट से जब ये कनेक्ट करते हैं तो खुद क्या हो जाते हैं पॉजिटिव, सामने वाला क्या हो जाता है नेगेटिव। फॉर एग्जांपल कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, तो Ca तो क्या है टू पॉजिटिव, F क्या बताओ वन नेगेटिव टू नेगेटिव होगी। नहीं आपको, अरे बोलो भाई,
और डाउन दूर पपाओगे। अच्छा आप ये बताओ, जो ये आयनिक करेक्टर होता है, क्या जो ये सॉरी जो ये मैग्नेटिक करेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, या इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर जो होता है, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कितना इजीली लूज हो जाएगा। तो आप डाउन दूर पाओगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, घटता ही बढ़ता है। हाँ भाई, डाउन दूर पाओगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटता ही बढ़ता होता भाई, घटता है ना। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपको तो भाई डाउन द ग्रुप आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। आसान है मुश्किल है? ओके जाए, बताओ भाई, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बैरियम। अच्छा जैसे एल्कली मेटल थी, एल्कली मेटल फ्लेम में जलाने पर क्या दिया करते, अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर दिया करते ना, क्यों? क्योंकि जब आप उसको फ्लेम टेस्ट करते हो तो फ्लेम जो होती है, आग होती है, उसकी हीट से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा, एनर्जी लेके, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में, और जब वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में आएगा तो उस एनर्जी को वो एमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सेम आर्गुमेंट हमारा यहाँ पर है। तो ये भी क्या करते हैं तो भाई, तो स्ट्रॉन्शियम बैरियम और कैल्शियम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड और एप्पल ग्रीन कलर आते हैं, क्या आते हैं, मतलब कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और बैरियम, क्या कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम क्या देगा, ब्रिक रेड, ये क्या देगा, क्रिम्सन रखेगा हमारे पास, एप्पल ग्रीन ये कलर आएंगे। लेकिन जो कौन है, मैग्नीशियम और बेरिलियम, ये कलर नहीं देंगे भाई। वजह क्योंकि मैग्नीशियम और बेरिलियम का साइज क्या काफ़ी स्मॉल है ना, तो उनका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से क्या रखता है, बांधे रखता है, तो उनको प्रमोट ना होने दे, बताओ पहले पड़ गई, तो वो यहाँ पर कलर नहीं देंगे। अरे बोलो भाई, बताओ फिर क्या है, द फ्लेम टेस्ट फॉर CSRBA इज हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ देयर क्वालिटेटिव एनालिसिस। और ध्यान रखिए भाई, फ्लेम टेस्ट के जरिए आप इन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है बात। और मैं आपको बताऊं, और मेटल्स की जो टिपिकल प्रॉपर्टी होती हैं, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो सारी प्रॉपर्टीज भी ये शो करते होते हैं। आगे आपको नहीं आया, अब बताओ क्या हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये क्या होंगी बताओ। अच्छा पहली बात तो भैया, लेस रिएक्टिव है एल्कली मेटल्स, इसकी वजह बताओ क्यों। हाँ वेरी गुड भाई, अगर आप अलोंग द पीरियड आओगे तो ये नेक्स्ट ग्रुप जो होता है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट पहले ग्रुप के एलिमेंट्स के नेक्स्ट पीरियड से बिलोंग, बोलो भाई, मतलब उस पीरियड भी क्या कहाँ पढ़ते हो, नेक्स्ट नहीं पढ़ते क्या, पीरियड ही क्या होते हैं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट पहले ग्रुप के एलिमेंट्स के, बोलो भाई, पीरियड्स में नेक्स्ट एंट्रीज होती हैं, और अलोंग द पीरियड क्या साइज घटता है, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है बात। अब बताओ क्या हमारे पास, तो भाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर में क्या करें, ये चैप्टर है ऐसा, ओके ये जल्दी खत्म हो, चिंता ना करो। फिर क्या हमारे पास, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर, तो क्या है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम बताओ क्या करते हैं, ऑक्सीजन और वाटर के साथ क्या है भाई, रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी सरफेस पे पता क्या बन जाएगा, एक ऑक्साइड, क्या बन जाएगा, एक ऑक्साइड बन जाता है। और ऑक्साइड क्या करता है, वो ऑक्साइड इसके अंदर वाले सिस्टम को प्रोटेक्ट करता होता है,
ठीक है, लेकिन पाउडर्ड बेरिलियम बर्न्स ब्रिलियंटली ऑन इग्निशन इन एयर, लेकिन आपने पाउडर्ड बेरिलियम अपने जलाया ना तो क्या बनेगा, बेरिलियम ऑक्साइड भी और बेरिलियम नाइट्राइड भी, बेरिलियम नाइट्राइड भी। मैग्नीशियम क्या होता है आपको पता है, मैग्नीशियम आपको पता है बेरिलियम से क्या होता है, ज्यादा है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो वो कहाँ पड़ता है, नीचे, बोलो भाई, और कैसे कैसे जलता है, डेजलिंग ब्रिलियंस, कसूती चमक, क्या भाई, खूब चमक के साथ जलता है ये, और क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम क्या है, रेडियली अटैक्ड बाई एयर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। और आपको पता है भाई कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो ये तो भाई बाज बाज के रिएक्ट करेंगे एयर के साथ, बहुत आपको पहले पड़ी, और ये वाटर के साथ भी रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, कैल्शियम वाटर हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम सॉरी स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और बताओ क्या हमारे पास, अब क्या है, रिएक्टिव टुवर्ड्स हेलोजन, बताओ क्या है, ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंबाइन विद, भाई सारी एल्कलाइन अर्थ मेटल हेलोजन से कंबाइन करेंगी, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या बना लेंगी, हैलाइड। फॉर एग्जांपल आप मैग्नीशियम को मिला दो Cl2 में तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम Cl2, क्या बन जाएगा ये, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सारे बन जाएंगे, सारे बन गए, ख़त्म कहानी, ठीक है, ओके। हाँ बताओ क्या हमारे पास, थर्मल डिकम्पोजिशन, अब बताओ, अरे भाई NH4BeF4, बताओ क्या करोगे आप, बोलो भाई, इसका अगर आप कहेंगे इसको अपने क्या कर दिया, थर्मली डिकम्पोज कर दिया ना, तब आपको तो क्या मिल जाएगा, BeF2, और BeCl2 इज, और BeCl2 कैसे बनाओगे आप, बेरिलियम ऑक्साइड को कार्बन और क्लोरीन के साथ खूब गर्म कर दो, क्या बन जाएगा, बेरिलियम क्लोराइड। अब क्या बताओ क्या हमारे पास, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, अब हमको ये देखना है कि ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है बात, अरे वही नहीं भाई, करेगा रिएक्ट, ये चिंता ना करो, बताओ क्या होगा। अच्छा मैंने आपको पढ़ाया था ना लिथियम एल्यूमिनियम, बोलो भाई, बेरिलियम को छोड़ के क्या, ऑल कंबाइन विद हैलोजन हाइड्रोजन टू फॉर्म देयर हाइड्राइड MH2, यानी सारे क्या बेरिलियम हाइड्राइड नहीं बन रहा भाई डायरेक्टली, बोलो भाई, औरों को तो आप सिंपली क्या करो, आपने बनाना है मैग्नीशियम हाइड्राइड, आपने बनाना है कैल्शियम हाइड्राइड, तो उनको सिंपली बना लोगे, उनको सिंपली हीट कर दो हाइड्रोजन के साथ, क्या बन जाएंगे, हाइड्राइड्स। बनाता है लेकिन उसका मेथड क्या होता है, अलग मेथड क्या होता है, क्योंकि भाई आपको पता है लेस रिएक्ट होता है मुकाबले, क्या होता है ये, लेस रिएक्ट होता है भाई, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन छीनना आसान है कैल्शियम से मैग्नीशियम से, बेरिलियम कहेगा बेरिलियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो है लेकिन इतना नहीं है, हाइड्राइड कहेगा हाइड्रोजन कहेगा इलेक्ट्रॉन दे दे, ये इलेक्ट्रॉन हमको दे दे ठाकुर, क्या हाइड्राइड के दो हाइड्रोजन आएंगे, कहेंगे दो हाइड्रोजन, और क्या बोलेंगे बेरिलियम को, ये इलेक्ट्रॉन हमको दे दे ठाकुर, बेरिलियम नहीं, क्या बोला भाई, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन इसे छीन लेंगे स्पेशल रिएक्शन के जरिए, आगे आपको शोले देखिए, आपने शोले तो कॉन्टेक्स्ट आप समझ गए ना शोले का, ठीक है, तो क्या होगा, तो आप इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करवा दो, क्या बन जाएगा, बेरिलियम हाइड्राइड लिथियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड, नहीं आपको ये, अरे बोलो, अब बताओ क्या, रिएक्टिव टुवर्ड्स एसिड,
वो जितने भी हमारे पास क्या मिनरल एसिड, क्या हमारे पास आप इनको मिनरल एसिड्स में मिला दो तो ये इतने रिएक्टिव होते हैं मिनरल एसिड से प्रोटॉन को हटा देंगे, रिड्यूस कर देंगे, अगर इनको रिड्यूस खुद क्या हो जाएंगे ऑक्सीडाइज। ये समझे बात, ये कहेगा कि थारा भाई अल्कलाइन अर्थ मेटल, थारा भाई अल्कलाइन अर्थ मेटल, इतना ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इतना ऑक्सीडाइज हो जाएगा कि एच टू को निकाल देगा। बात आपको पहले पड़ेगी, अरे बोलो तो क्या भाई, तो एम सी एल टू हो गया नहीं, और क्या भाई एच टू यहाँ से निकल गए। अच्छा और आप बताओ भाई रिड्यूसिंग नेचर, अच्छा आप ही बताओ रिड्यूसिंग करेक्टर का बिहेवियर कैसा आना चाहिए इनका एल्कली मेटल्स का। देखो मैंने आपको बताया था इस पृथ्वी पर जो ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को रिड्यूस करवाता है, और जो रिड्यूस होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है। समझे बात, ऑक्सीडाइज होने वाला रिड्यूस एजेंट है, रिड्यूस होने वाला ऑक्सीडाइज एजेंट है। तो जो भाई हमारे पास ये एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनके पास इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती होगी, इनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है कि नहीं है, मतलब केमिकल रिएक्शंस में इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है कि नहीं है, है ना। तो खुद क्या होंगे, क्यों खुद ये शाबाश, सारी रात रामायण पढ़ी, तड़के उठ के बोलिया सीता किसका बाप था। अरे भाई इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, तो इनके इलेक्ट्रॉन लूज करने क्या होती है टेंडेंसी, क्या होती है इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने टेंडेंसी होती है। तो खुद क्या होना चाहेंगे ऑक्सीडाइज, तो दूसरे क्या करवाएंगे ये रिड्यूस। बात आपको पहले पड़ गई भाई, खुद होंगे ऑक्सीडाइज, दूसरे करवाएंगे रिड्यूस। ओके तो इसमें आपने ये बात ध्यान रखनी, तो आपको हो गए तो सबसे सबसे कम तो बेरिलियम से बेरियम, बेरिलियम से सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है बताओ, किसकी होती है, किसकी भाई बेरियम की होती है सबसे कम। तो हमारे अकॉर्डिंग सबसे इजीली ऑक्सीडाइज कौन सा होना चाहिए, बेरियम। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होना चाहिए, बेरियम। होता नहीं, होता बेरिलियम है, वजह क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज ही, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको बताया तो तीन फैक्टर होते हैं जो रिडक्शन पावर को गवर्न करते हैं, एक तो सब्लिमेशन की एंथैल्पी, क्या भाई, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, और तीसरा क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे क्या है, कम है, लेकिन बेरिलियम आयन जब पानी में जाएगी तो उसका इतना बेटर हाइड्रेशन, यानी बेरिलियम आयन सॉरी बेरियम आयन उतना हाइड्रेट नहीं होगी, उतना स्टेबलाइज नहीं होगी पानी के अंदर जितना कौन हो सकती है बेरिलियम आयन। बता आपको पहले पड़ी, तो बेरिलियम आयन इलेक्ट्रॉन इसकी इस पूरे ग्रुप के अंदर बेरिलियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है, उसके बावजूद ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे इजीली क्या होता है इसका मतलब ऑक्सीडाइज। क्यों, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद क्या बनाता है बेरिलियम टू पॉजिटिव आयन, वो पानी में जाके बहुत जबरदस्त तरीके से क्या होता है, क्या हो जाए उसका हाइड्रेशन। नहीं आपको समझ में, पक्का पले पड़ गया, अरे बोलो भाई, ठीक है ओके, तुम क्या बोलेंगे, लेकिन ध्यान रखो भाई इनकी रिड्यूसिंग पावर क्या होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल एल्कली मेटल से क्या होती है, वो कम होती है क्या, इनकी रिड्यूसिंग पावर क्या होती है एल्कली मेटल से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि भाई इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है उनसे ज़्यादा होता है। तो कई सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है ना, टेबल 10.2 कहाँ है, कोई बात नहीं दिखा रखी, क्या हो गया,
कोई बात नहीं, कहाँ गया? बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू इन कंपेयर टू अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलो भाई? हाउ एवर इट्स रिड्यूसिंग पावर, कहाँ पर गया भाई? देखो भाई, देखो अब यहाँ पर क्या है, आप एक बार इनके पोटेंशियल देखो, क्या बेरिलियम का -1.97, फिर क्या हो रहा है, मोर एंड मोर क्या हो रहा है हमारे पास, नेगेटिव, यानी हम नीचे जा रहे हैं, यानी अगर हम कहाँ जा रहे हैं, नीचे, तो मोर एंड मोर क्या हो रहा है, नेगेटिव रिडक्शन, पोटेंशियल होने लग रहा है ना, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि रिड्यूसिंग एजेंट, अगर मैं किसका, किसको मैं डोमिनेंट मानूं, अगर एल्कली मेटल्स की तरह मैं डोमिनेंट किसको मानूं, आयोनाइजेशन एनर्जी को। देखो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, कम, भाई क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना क्यों चाहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद प्रत्यक्ष अगर क्या बनता हो, जो कैटायन बन रही हो क्या, स्टेबल पानी में, तब उसकी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की हो जाएगी, टेंडेंसी आ जाएगी ना, नहीं आपको, तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाए तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटता है। तो यहां पर क्या है, बेरिलियम का बेरिलियम से बेरिलियम 2 पॉजिटिव बनेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होना चाहिए अगर मैं किसकी बात देखूं, आयनाइजेशन एनर्जी की, लेकिन अगर मैं किसको देखूं बताओ, सॉरी, अगर मैं हाइड्रेशन को देखूं तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा, बहुत क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ना, सॉरी कम होना चाहिए, कम भाई, अरे भाई अगर मैं इसका क्या देखता हूं, आयनाइजेशन एनर्जी, तो ज्यादा क्या हो, आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो चीज ऑक्सीडाइज होने क्या, वो कम चाहेगी भाई, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना क्यों चाहेगी, तो इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, कम, लेकिन क्यों, क्योंकि इसका साइज सबसे क्या है, स्मॉल, तो पानी में जब क्या बनाएगी, सबसे स्मॉलर कैटायन बनाएगी, तो स्मॉलर कैटायन का हाइड्रेशन का सबसे ज्यादा होता है, तो उसके लिहाज से क्या होना चाहिए, इसको ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो यहां पर कौन करता डिक्टेट, क्योंकि यहां पर फुल्ली फील्ड सिस्टम है, यहां पर क्या है, फुल्ली फील्ड सिस्टम भाई, तो यहां पर कौन करता डिक्टेट बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो जिसकी सबसे ज्यादा क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहेगा, कम होगी वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा, तो सबसे कम किसकी होगी, बैरियम की, तो बैरियम बेशक क्या बनाएगा, लार्जर कैटायन, बैरियम बेशक क्या बनाएगा, लार्जर कैटायन बनाएगा, और वो कैटायन इतनी स्टेबलाइज भी नहीं होगी, उसके बावजूद इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा, वजह क्योंकि इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या बहुत कम है। आगे आपको समझ में, ये लिथियम वाले से थोड़ा उल्टा बिहेवियर है, नहीं आपको ये, अरे बोलो, बताओ, अब बताओ क्या हमारे पास सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, अब जब आप ये बताओ, जब आप एल्कली मेटल का मिलाया करते अमोनिया में, तो वहां पर क्या बनते थे, क्या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन वहां पर तैयार नहीं होया करते, तो यहां ही बोलते भाई, अगर आपने एल्कलाइन अर्थ मेटल का मिला दी अमोनिया में, तो वहां भी आपके पास क्या जाएगा, ब्लू कलर, क्योंकि क्या जाएगा हमारे पास, ये अमोनेटेड, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, नहीं आपको ये क्या बोलते हैं, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ इनका यूज क्या है, बेरिलियम का इस्तेमाल होता है, बताओ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलोइज, ठीक है, कॉपर बेरिलियम एलोय का इस्तेमाल होती है, बताओ
कॉपर बेरिलियम एलॉयज कहाँ इस्तेमाल होती हैं? प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग। मेटेलिक बेरियम कहाँ इस्तेमाल होता है? बोलो भाई, विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब। मैग्नीशियम क्या बनाता है? एल्यूमिनियम, जिंक, मैगनीज और टिन के साथ क्या बनाता है? एलॉयज। और उनके डिफरेंट यूज होते हैं, जैसे मैग्नीशियम एलॉयज बहुत हल्की होती हैं और इससे क्या होता है? एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि आपको पता होगा ना, जो जहाज़ होते हैं उनको उड़ाने के लिए एनर्जी लगती है भाई। तो जितना भारी जहाज़ होगा, जितना जहाज़ का खुद का वजन ज़्यादा होगा, उतना वो लोड क्या ले पाएगा? कम। उतना सामान कम कैरी कर पाएगा। अब जहाज़ बहुत हल्का हो तो उसमें आप ज़्यादा सामान रख सकते हो, पता होगा ना आपको इस चीज़ का। तो भाई जो बेरिलियम एल्यूमिनियम एलॉय है वो मजबूत होते हैं, उससे क्या बनाते हैं? एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में काम आता है। मैग्नीशियम का पाउडर या रिबन हो कहाँ इस्तेमाल होता है? बोलो भाई, फ्लैश पाउडर्स एंड बल्ब्स। अरे ऐसे पाउडर जो भाई चमक पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या बल्ब। बोलो भाई, वो तो इंसेंडरी बॉम्ब्स एंड बोलो भाई सिग्नल्स। अरे भाई कई बॉम्ब ऐसे होते हों जो सिर्फ धमाका तो करते हो यानी कि, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा आग पैदा ना होती हो। कई होते हैं भाई, मतलब वहाँ पर स्मोक तो होएगा, थ्रस्ट बहुत होएगा एयर में, लेकिन वहाँ पर आग इतनी पैदा नहीं हो पाएगी। बताओ पपले पड़ गई तो उनमें काम आते हैं भाई। ठीक है, और कहाँ गया? ठीक है, बताओ ए सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज यूज्ड एज एंटासिड इन मेडिसिन। अगर आपके पेट में आपने भाई बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, कि शादी में चले गए और वहाँ अच्छा मटर पनीर था खूब खा लिया, तो पेट में आपको पता ना हमारी बॉडी एसिड पैदा करती है, तो पेट में एसिड की अमाउंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो पेट में क्या होगी? जलन पैदा होगी, नहीं होगी। अब अगर आप क्या खा लेते हो? एंटासिड टैबलेट। तो एंटासिड टैबलेट क्या पैदा करती है? OH नेगेटिव, और वो OH नेगेटिव आपके पेट में जो H प्लस आयन है उनसे रिएक्ट कर क्या बनाएंगी? वाटर। क्या बनाएंगी? तो भाई इसका तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंटासिड टैबलेट के तौर पे लिया जाता है। इनमें शायद ये कंपाउंड हो, कंपाउंड चेक कर लो भाई। कोई बात नहीं, मैं आपको बताया कि इसमें उसमें भी आपको वही मिलेंगे, एंटासिड मिलेंगे आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने भाई कोई एक दो ही थोड़ी होती एक चीज़ की, नहीं आपको हज़ार तरह क्या है एसिड न्यूट्रलाइजर, क्या है हज़ार तरह क्या है हमारे पास एसिड न्यूट्रलाइजर है। ठीक है बात, ओके। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। नमक हो चाहे ना हो पर उसमें मैग्नीशियम होता है भाई। ठीक है, और कैल्शियम इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड विच आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस विद कार्बन। अगर कार्बन किसी मेटल को ऑक्साइड, आपको पता ना ऑक्साइड्स को आप कार्बन से हीट करते हो तो क्या बनता? कार्बन डाई ऑक्साइड, और मेटल क्या हो जाएगी आपकी? रिड्यूस होके प्योर हो जाएगी, है ना। लेकिन कार्बन उसको रिड्यूस करवाने के कैपेबल नहीं है, तो उसमें क्या मिला दो? बोलो भाई मैग्नीशियम, सॉरी कैल्शियम। तो कैल्शियम उसको रिड्यूस करवा देगा। आ गया आपको ये? अरे बोलो भाई, कैल्शियम और बैरी मेटल्स क्या हैं? बताओ, आपको बताओ भाई, ये एयर और एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साथ क्या करती हैं? रिएक्ट। क्या? अरे भाई ये कैल्शियम और बैरियम क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ क्या करती हैं? रिएक्ट करती हैं ना। तो मान लिया आपने एक ट्यूब के अंदर क्या पैदा करना है? वैक्यूम। क्या पैदा करना है? और आपने सारी हवा वहाँ से निकाल भी दी, लेकिन तब भी वहाँ पर हवा बची हुई है, तो थोड़ा बहुत कैल्शियम और मैग्नीशियम डाल के अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो जो एयर थोड़ी बहुत जो बच रही है वो भी क्या हो जाएगी? रिएक्ट कर जाएगी कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ सॉलिड फॉर्म के अंदर। नहीं आपको? तो इससे परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट करने में हेल्प मिलती भाई, बेटर वैक्यूम क्रिएट करने में से हेल्प मिलती है। रेडियम साल्ट्स आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये पल्ले पड़ गया। वेरी गुड।
तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।